राम भाइयों, ईश्वर है मेरा नाम। गीता कॉलोनी शास्त्री नगर में रहने वाला निवासी हूँ। काफ़ी भाई जानते होंगे, बाकी जो लोग नहीं जानते उनके लिए। भाई ये आज जो लाइव आया हूँ, कुछ कारण से आया हूँ, कारण समझ लो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है, जो प्रेजेंट हमारी दिक्कत चल रही है कोरोना की, उसके लिए बस आपको कुछ बताना है मैंने क्या क्या देखा और मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, सोचता हूँ आपके काम आएगा। तो सिंपल भाई, मैं बात लेके चलता हूँ। मेरे पड़ोस में मेरे मामा रहते हैं, 25 दिन पहले उन्हें, ज़्यादा लंबी नहीं, बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा कहानी, 25 दिन पहले उन्हें बीमारी हुई थी हारपिस की। हारपिस में क्या होता है ना, नर्व्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो दवाई चल रही थी उनकी। 15 दिन बाद थोड़ा उन्हें आराम हुआ, तो उनकी एक्चुअली ग्रॉसरी की शॉप है, तो वो लॉट्स के मॉल गए अपना अक्षरधाम की तरफ, तो वहाँ से आए तो उनको समझ लो हाई फीवर और कोरोना के अच्छे खासे सिम्टम्स आ गए। अब जब एक दो दिन उन्होंने लोकल केमिस्ट से, भाई बंदा सोचता है हारपिस के चक्कर में होगा, उन्होंने लोकल केमिस्ट से दवाई खा ली, उससे भी आराम नहीं पड़ा, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी तबीयत खराब है। तो मेरे पापा उनको साथ लेके गए डॉक्टर पे, यहाँ पे अपने मैक्स में गए, पुष्पांजलि गए, भाई उन्होंने साफ मना कर दिया कि सर हम इनको एंटर नहीं ले सकते। किस बात पे? कि इनको बुखार और खांसी है। चलो जी, बिल्कुल वैलिड है। उसके बाद हमारे पे बचा क्या, सरकारी हॉस्पिटल। हम उनको लेके गए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री में उन्होंने उनको चेक करा, चेक करके उन्होंने उनको दिया दवाई 5 दिन की, खांसी जुकाम बुखार की। चलो जी, मैं इस रोल में कहीं भी नहीं था। अब मेरा रोल स्टार्ट होता है परसों से, जो मैं एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ आपको। परसों सुबह की बात है, मैं घर पे आता हूँ तो घर में मामी आती है, मामी रो रही होती है मम्मी के पास बैठ के, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहती मामा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैंने क्या हुआ, कह रहे वो खांसी जुकाम हो रहा है, ऐसे ऐसे करके डॉक्टर दिखा दिया। तो हमने बोला जी ठीक है, कोरोना सिम्टम है। तो लोकल में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर रमन अरोड़ा बगर, अच्छे खासे MBBS डॉक्टर्स हैं, उनके पास गए भाई, उन्होंने देखने से मना कर दिया। फेयर इनफ, उनको पता नहीं है, मना कर दिया, ठीक है। अब कैसे पता लगाए जी, क्या करें, नॉलेज नहीं थी। तो मैंने, मेरे टच के 2-3 डॉक्टर्स थे, अच्छे बड़े डॉक्टर्स हैं, मैंने उनको कॉल करा, पूछा कि सर ऐसे ऐसे करके ये सिम्टम्स हैं, ऐसे ऐसे करके दिक्कत है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले सिंपल उन्होंने बताया कि इनको भाई साहब तुरंत आप हॉस्पिटल ले जाओ और इनका टेस्ट कराओ कोरोना का। मैंने ठीक है, मैंने सर ऐसे कैसे कराऊँ। तो उन्होंने कहा जी सर हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन पे कॉल करो, बहुत तुरंत काम हो रहा है। मैंने अच्छा जी, बहुत बढ़िया, तुरंत काम हो रहा है तो हेल्पलाइन पे। भाई मैंने बोला मामी को आओ, मैं मामी के घर पे गया, मैंने 112 नंबर पे सबसे पहले कॉल करा। 112 नंबर पे जिन भाई साहब ने कॉल उठाया, उन भाई साहब ने मेरे को बोला कि क्या हुआ। मैंने उनको पूरी हिस्ट्री बता दी कि भाई साहब ऐसे 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 करके ये सारे इनको प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको अभी तुरंत कॉल आ रहा है आधा घंटे के अंदर। मैंने ठीक है जी, हम वेट कर रहे हैं, वेट करा। आधा घंटे बाद आ गया कॉल, बिल्कुल बढ़िया। मैंने वाह क्या सर्विस है, बंदे ने बोला कॉल आ गया। कॉल आता है, बंदा कॉल उठाता है, हाँ जी कौन बोल रहे हैं आप। मैंने भाई साहब ऐसे ऐसे करके बोल रहा हूँ, मैंने अरुण गोयल है मेरे मामा का नाम, कि मैंने ऐसे करके पेशेंट के बारे में बताया था, तो क्या हुआ। तो कह रहे कहाँ से बोल रहे हैं आप। मैंने बोला भाई साहब गीता कॉलोनी से बोल रहा हूँ। तो वो कहता है अरे भाई साहब आप तो बहुत दूर से बोल रहे हो। मैंने अच्छा जी, मैंने आप कहाँ से बोल रहे हो। कह रहे सीलमपुर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। मैंने अच्छा जी अब बताओ क्या करना है। कह रहे भाई साहब जो एम्बुलेंस भेजेंगे, एम्बुलेंस भेजने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने बिल्कुल जी, कितना टाइम लगेगा। कह रहे 1 घंटे 2 घंटे। मैंने कोई बात नहीं, भेज दो भाई, 1 घंटा 2 घंटा क्या हुआ, अब पेशेंट की बीमारी है, हम बैठे हैं 3-4 दिन से बैठे हैं, 1 घंटे 2 घंटे बैठ जाएंगे। ठीक है जी भाई साहब। अब उसके अंदर हम बैठे हैं तो फिर कॉल आता है मेरे पास, वो कहता भाई साहब एक काम करो ना। मैंने हाँ जी बताओ। अब कह रहा प्राइवेट गाड़ी से ले जाओ। कहाँ पर ले जाए जी, पंथ ले जाओ जी। ठीक है जी। मैंने उस, मेरे थोड़े दिमाग में बात आई, मैंने बोला भाई अगर प्राइवेट गाड़ी से मैं इस बंदे को ले जाऊँ, पहली बात अगर उसे कोरोना हुआ तो भाई साहब हम सारे के सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे जो गाड़ी में जाएंगे। चलो दूसरी बात, कोई हॉस्पिटल में मैं डायरेक्ट ले जाऊँ कि इनको कोरोना, कौन एडमिट करेगा उन्हें, नहीं करेगा ना। मैंने उसे यही बात बोली, कह रहा भाई साहब अगर ना ले कोई तो आप मुझे कॉल कर देना 112 नंबर पे, मैं आ जाऊँगा वहाँ पे। अरे मैंने बोला आप वहाँ पे आओगे भाई, यहाँ पे आ जाओ ना, हम वहाँ पे गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करेंगे आपका, हम यहाँ पे इंतज़ार कर लेंगे। कह रहे ठीक है जी। चलो जी, फिर मेरा भाई आता है, मतलब वहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं रहा, 0। फिर मेरे पे कॉल आता है, मैंने बोला भाई साहब लोकल पुलिस स्टेशन पे कॉल कर दो।
तो गीता कॉलोनी थाने से मेरे पे कॉल आता है, थोड़ा मेरे को जानते हैं अनुभव, तो उन्होंने मैंने बताया, तो कह रहा है ईश्वर भाई साहब 112 नंबर पे कॉल करके कुछ नहीं होगा, 102 नंबर है एम्बुलेंस का, आप भी कॉल करो मैं भी कॉल करता हूँ। मैंने वाह जी बढ़िया बात बताई भाई ने। अब 102 नंबर पर भाई ने कॉल करना चालू करा, मैंने कॉल करना स्टार्ट करा, भाई साहब मेरे मोबाइल पर अभी भी कॉल लिस्ट में आएगा 102 नंबर पर कम से कम 8 से 10 कॉल मैंने मारी, 8 से 10 कॉल मुझे लगता है उस भाई ने ही मारी होगी, ऐसा उनने बोला मेरे को। मैंने कॉल करा, मैंने भाई वो तो कॉल मिल नहीं रही, वो कह रहा हाँ जी भाई कॉल तो नहीं मिल रही, कह रहा एक काम करो मैं भी कॉल मारो आप भी कॉल मारो चलता रहेगा जब तक। मैंने और बढ़िया है जी, मारे जा रहे जी कॉल मारे, इतने में मेरा छोटा भाई आया लव, तो उनने बोला कि भाई 1075 नंबर है हेल्पलाइन नंबर, अब वहाँ कॉल मारो, बहुत बढ़िया सेंट्रल कंट्रोल नंबर है, बहुत बढ़िया है वहाँ पर इलाज मिलेगा, वहाँ का एक्सपीरियंस सुनो भाई साहब, 1075 आपका सेंट्रल नंबर है, सेंट्रलाइज नंबर है, तो मतलब कि पूरे इंडिया का नंबर है वो, बाकी उससे आगे का सेटा कट रहा है। तो मैंने कॉल करा सेंट्रल पे, तो वहाँ पे बंदे ने फ़ोन उठाया, मैंने भाई उसको हिस्ट्री समझाई, अच्छा वो कह रहा भाई साहब मैं आपका CMO को नंबर दे रहा हूँ, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हमारा यहाँ पे CMO डॉक्टर अब्दुल, उनने उसका नंबर दिया मुझे, कह रहा सर आप इस पर कॉल करो और वो आपको बिल्कुल बढ़िया बता देंगे। मैंने ठीक है जी, अब मैंने डॉक्टर अब्दुल को कॉल करा, मैंने उन्हें बताया, मैंने भाई साहब ऐसे ऐसे करके पूरी हिस्ट्री बता दी उन्हें कि ऐसे हार पेस था, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। तो वहाँ से वो रिप्लाई में भाई साहब मुझे कहते हैं अरे भाई साहब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ये हार पेस की वजह से है, आप इनको घर में रखो बस, इनको अगर सांस लेने प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। मैंने सांस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अदर सिम्टम्स हैं, इनको बुखार भी हो रहा है, इनको कफ भी आ रहा है और अच्छा खासा कफ आ रहा है। वो कह रहे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके अंदर दो रास्ते बनते हैं भाई, या तो हम शांत होकर बैठ जाए या तुम कुछ करें। मैं शांत नहीं बैठा, अब आदत है हमारी शांत ना बैठने की। अब मैंने थोड़ा सोर्स लगाया, मैंने एक डॉक्टर है आईसीयू में, नाम नहीं लूँगा, अच्छे सीनियर डॉक्टर है, मैंने उनसे बात करी, मैंने बोला भाई साहब ऐसे ऐसे करके सिस्टम है, यहाँ के CMO ने ऐसे बोल दिया लेकिन हमें संतुष्टि नहीं है। उनने बोला ईश्वर जी दो तरीके हैं, या तो आप मेरे पास ले आओ, मैंने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में डाल दूँ। मैंने ठीक है जी, या तो आप 4500 रुपये खर्च कर सकते हो तो आप एक प्राइवेट टेस्ट करा लो, फेयर इनफ। मैंने जी कर लेंगे 4500 रुपये खर्च करो, बड़ी चीज़ है, वहाँ जाए फालतू में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाए बीमारी ना निकले, वो भी दिक्कत है। मैंने ठीक है जी, हमने 4500 रुपये खर्च करके टेस्ट करवा लिया। अब टेस्ट कराने के लिए जो हुई परेशानियाँ हुई, एक मतलब कि नॉर्मल आदमी नहीं करवा पाता, मैंने बहुत दिक्कत झेल के करवा करवो के फ़ोन कर कर आके मैंने टेस्ट करवाया। तो भाई वहाँ से जब बात करी हुई मेरी, तो उन्होंने कहा जी जो आपकी रिपोर्ट है ना, जो कंसर्न डॉक्टर है वो उसके पास भेज दी गई है, कंट्रोल रूम भेज दी गई है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन पे भेज दी गई है। मैंने जी बहुत बढ़िया है, मैंने हम खुश, कोरोना नहीं निकलेगा, मतलब अब क्यों नहीं निकलेगा। अब हमें ये लगा कि भाई CMO वगैरह पे अगर पॉजिटिव रिपोर्ट जाती तो वो सबसे पहले हमें फ़ोन करके परेशान कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने कुछ वहाँ पे बातचीत करके हमारे को किसी ने बता दिया कि भाई आपकी रिपोर्ट में गड़बड़ आई है। अब भाई हमने गड़बड़ आई है, हमारे हाथ पैर फूल गए। अब हमने हॉस्पिटल में कॉल मारा, तो भाई रात को 10-11 बजे कौन सा हॉस्पिटल खुला होता है, कौन चेक कर रहा है। हमने फिर भी जाके वहाँ पे उनकी मेल के अंदर चेक करा, वो नहीं बता पाए। चलो हमने फिर भी मन को संतुष्टि दी, हमने उस बंदे की रिपोर्ट गलत हो सकती है, क्यों ऐसा हमने सोचा। हमने ऐसा सोचा कि भाई ना पुलिस स्टेशन से कोई फ़ोन आया, ना किसी CMO वगैरह का कॉल आया, ना ही डॉक्टर का कॉल आया, मैंने क्या पता उस बंदे की इन्फॉर्मेशन गलत हो। अब हम दिल पे हाथ रख के कि सब गलत है, सब गलत है, सब शांत बैठे हैं। सुबह 10:30 बजे मैं हॉस्पिटल गया हूँ रिपोर्ट लेने, आप मानो रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा, रिपोर्ट निकली पॉजिटिव। इसका मतलब फ्राइडे से अभी तक आदमी घर पे बैठा है, CMO ने मना कर दिया है हमारे को कि टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इनको, और मना ही कर दिया, और टेस्ट करवाने के लिए लेके भी नहीं गए सरकारी। हमने वॉलेंट्री दिमाग चला के थोड़ा कि भाई सोच समझ के कि 4500 रुपये खर्च करके उनका टेस्ट करा लिया, वो आ गया पॉजिटिव, और अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई सर। पॉजिटिव टेस्ट आ गया 10:30 बजे, पर्सनली यहाँ के आस पास के SDM जो है उनको हमने कॉल करा, तो SDM पलट के क्या बोलते हैं कि भाई साहब ठीक है आप SHO को फ़ोन करो। अरे हम क्यों करें SHO को फ़ोन भाई, आप क्यों बैठे हो वहाँ पे, आप दिल्ली SDM के अंडर हमारा एरिया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उस टाइम पे आज के दिन में SDM के एरिया के अंदर कितने कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं, 5, 10, 15 केस आप नहीं संभाल पाए, तो आप क्या खाक करने के लिए बैठे हो,
दिल्ली के अंदर मात्र 80 केसेस आ रहे हैं, आप 80 केसेस नहीं संभाल पा रहे, तो आप क्या करने के लिए बैठे हो? चलो जी, SDM को फ़ोन कर दिया, SHO को फ़ोन कर दिया 10:30 बजे, उसके बाद लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। आप ये मानो हमारे पास पलट के SDM के यहाँ से कोई कॉल नहीं आता, दिल्ली पुलिस में हमारे हैं जान पहचान वाले, तो उन्होंने कॉल कर लिया, हमसे सारी रिपोर्ट ले ली, लेकिन आया कोई भी जवान नहीं, ना दिल्ली पुलिस से, ना कोई, ना उनके घर को सील करा गया, ना उनके घर की। 10:30 बजे का मतलब, उनको तो रात को 10 बजे से पता कि पेशेंट को कोरोना है, रात के 10 बजे से 2:30 बजे तक कोई हमारे पास आके नहीं जा, 2:30 बजे आके एम्बुलेंस आ रही है, उनको लेके जा रही है। कहाँ पे लेके गई? LNJP। चलो जी, 2:30 बजे हम LNJP के एम्बुलेंस में लेके गए हैं। अब बात क्या आती है, होना क्या चाहिए? जिसके घर पे पेशेंट निकला, उस एक पेशेंट के घर पे 8 बंदे रहते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल रह रहे थे। क्यों? CMO ने बोल दिया था उनको प्रॉब्लम नहीं है। अब वो नॉर्मली रह रहे थे तो उनका घर का सैनिटाइजेशन कौन कराएगा? पहली बात, उनके सारे घर की, मैं भी था उसमें, अपनी भी बोलता हूँ, मेरी भी ब्लड ड्रिप टेस्ट होनी चाहिए, मुझे भी लग रहा है मुझे हो सकता है कोरोना, क्यों नहीं हो सकता भाई? मेरे साथ ना करते करते भी, मैं बिजनेस मैन हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरे से 50 आदमी मिलते होंगे डेली के, अब मेरे साथ उनकी लाइफ खतरे में, मैं सोशल वर्क में भी रहता हूँ, भंडारे वगैरह बांटने में रहता हूँ, मेरे साथ टच में रहते हैं सोशल लोग, वो भी रहे होंगे, अब उनसे कितनों को फैलेगा? लेकिन अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। SDM को 10 बार फ़ोन कर चुका हूँ मैं, हमारे बहुत लोग कर चुके हैं, बहुत प्रेफरेंशियल लोगों से फ़ोन करवा चुका हूँ मैं SDM से कि हमारे यहाँ का सैनिटाइजेशन कराओ, जिन घरों के अंदर ये प्रॉब्लम निकली है उनके लोगों का ब्लड का टेस्ट कराओ। SDM कह रहा है मैं लेटर लिख के भेजता हूँ। भाई तुम किसे लेटर लिखोगे? अरे SDM किस लिए अपॉइंट हो आप? तुम भी लेटर लिख रहे हो तो हम क्या करेंगे? लोअर लेवल पे किसको हम बात करें? तो भाई साहब, ये आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बनाई, ये वीडियो सच्चाई को अवगत कराने के लिए कराई है। ये जो दिल्ली में जो डेली लाइव आके हमारे मुख्यमंत्री साहब डेली आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। एक बात बीच में बताना भूल गया, हमारे जो MLA हैं SK बग्गा, मैंने उनको कॉल करी, कॉल करके भाई देखो साहब बोलूंगा, मैंने तो लताड़ा, मैंने बिल्कुल लताड़ा, बढ़िया से लताड़ा, मैंने जी क्या करने के लिए बैठे हो? खाक चलने के लिए बैठे हो क्या? सांस फूल रही है बुड्ढे की, बुड्ढा बोल दिया, मैं बुरा नहीं मानूं भाई, मैंने बोल दिया, गलत गुस्सा था बोल दिया। उस बंदे का जवाब सुनोगे ना फंसी आ जाएगी। वो बंदा बोलता, ईश्वर जी कोई टेंशन नहीं है, लाखों कीटे पड़ी है, लाखों कीटे हमारे पास, वो लाखों कीटे कहाँ गई? हमें उन लाखों कीटे के बारे में जानना है। पहली बात, हमने लाखों किट पता कर ली, सब पता कर लिया भाई साहब, अभी तक कोई झांकने वाला नहीं है, कोई सैनिटाइजेशन कराना वाली, गली नॉर्मल करते हो तो भाई साहब, मैं तो इतना समझ लिया हूँ कि हमारी हालत तो खराब हो ही चुकी है, दिल्ली डूब चुका है और मुझे साफ असर दिख रहा है। आपको डराने के लिए बोल रहा भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जो मैंने झेला ना इन 3 दिनों में, और मेरे जैसा आदमी, मैं अपने को भगवान की कृपा से इतना सक्षम मानता हूँ कि मेरा कोई काम रुकता नहीं भगवान की कृपा से, बाकी तो हम तो इंसान हैं, कुछ काम करें ऐसे कि हमारा कोई काम रुकता नहीं, लेकिन मुझे इतनी दिक्कत आई है, एक आम आदमी, एक दिहाड़ी मजदूर, एक गरीब आदमी जिसके घर पे खाने के लिए इस लॉकडाउन में जो कमाई नहीं कर रहा, जिसमें पैसे नहीं है, उसकी दिक्कत 4500 रुपये से लाएगा, किसी डॉक्टर को फोन करके पूछेगा कि मैं क्या करूं? तो भाइयों, बस इसलिए आपको वीडियो बताई गई है कि हम, जो मुझे लग रहा है कि मरने की तैयारी आ गई है, अब मरने के लिए आप, हम तो तैयार हो जाए। दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें छोड़ दिया है, जैसा था हमें वैसा के वैसे छोड़ दिया है, और अगर मैं समझ रहा हूँ मेरे को अपना काम करवाने में, एक नॉर्मल सा काम करवाने में इतनी दिक्कत आ रही है, तो जो गरीब आदमी है या आम आदमी, आम ही आदमी, वैसे मैं बस थोड़ी सिस्टम में समझता हूँ कि हाँ जी मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उसको कितनी दिक्कत आ रही होगी, मैं ये सोच रहा हूँ अभी तक। और आप भी यही सोचो कि जो मीडिया में गुब्बारा बनाया जा रहा है ना, ये बोला जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम सब हैं, लाखों किटे पड़ी है, SK बग्गा महाचोर, SK बग्गा कुछ काम नहीं कर रहा, खुल के बोल रहा हूँ, SK बग्गा को मैंने आज गालियाँ दी है फ़ोन पे, मेरे पे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है, और वो मजाक करते मुझे बोल रहा है मेरे पे लाखों किटे पड़ी हैं, वो लाखों किटे किस काम के लिए रख के, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उनका यूज़ बता दो कि जिस बंदे के घर के अंदर कोरोना का पॉजिटिव एक पेशेंट आ गया है, एक बाप, उसके बच्चों को कोरोना नहीं होगा क्या? तुम्हारा एक दिन पहले CMO मना कर रहा है कि कोई कोरोना नहीं है, टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, उसने वॉलेंटरीली 4500 रुपये खर्च करके एक टेस्ट करा लिया। अब एक बात समझो, उनके घर में हुआ है, मैं उनके साथ घुमाऊँ, उनकी जो दवाइयाँ वगैरह, अब मेरे को भी हो सकता है, फुल चांसेस है, मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है,
मेरा टेस्ट कौन कराएगा? चलो मैं कर सक मैं खर्च कर सकता हूँ 4500 रुपये, भगवान ने तो सक्षम बनाया है। मेरे घर के अंदर 5 फैमिली मेम्बर है, 4500 × 5 कर लो आप। फिर हमारी जॉइंट फैमिली है, ऊपर नीचे 18 मेंबर है, 18-20 मेंबर है। आप 4500 रुपये से उनका खर्च समझ लो। मैं डेली, मेरा बिजनेस है, बिजनेस मैन हूँ मैं, तो मेरे मिलना 50-60 आदमियों से होता है। उनके 50 बंदों के आप 4500 रुपये कैसे खर्चा समझ लो। फिर मैं थोड़ा सामान वामान बंटवाने के अंदर भी जाता रहता हूँ, आप उनका टेस्ट समझ लो 4500 रुपये के हिसाब से। तो सरकार क्या करेगी अगर 4500 रुपये देके लाखों किटें कहाँ जाएंगी? ये बिक्री है कि 4500 रुपये की? हमें बस इतना बता दो, इतना ही जानना चाहता हूँ। बाकी भाई दिल्ली गड्ढे में है, अगर केंद्र सरकार से भी गुजारिश है कि सर इन्हीं की दिल्ली नहीं है, दिल्ली आपकी भी है, सांसदों से, गौतम गंभीर हमारे सांसद हैं, कि सर दिल्ली आपकी भी है, MCD से दिल्ली आपकी भी है, कि कृपया दिल्ली को ऐसे ना छोड़े। मैं मानता हूँ कि हमसे दिल्ली वालों से कुछ गलती हुई है, लेकिन हमको बीच मझधार में ना छोड़े, हमारे लिए कुछ करें सर। बाकी मैं तो भगवान से, अपना एक्सपीरियंस देख के तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई हम तो भगवान। बाकी भाई राम राम, जब तक जिंदगी है चल रहे हैं, और कराऊंगा मैं भाई पर्सनल अपना प्राइवेट टेस्ट कराऊंगा अगर सरकार नहीं कराती है। मैं कल तक रुका हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ SGM की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। अगर गवर्नमेंट नहीं कराती है टेस्ट, तो मैं अपना टेस्ट खुद कराऊंगा कल, और बिल्कुल जो रिपोर्ट होगी आपको बता दूंगा, जो मेरे से मिले हैं, जिनको मेरे को ध्यान है बिल्कुल मैंने ले। बाकी राम राम, बाकी भाई दुआ करो भाई को ना हो, आप लोगों की जो मेरे साथ है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरे साथ होगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी दिक्कत है, जो मेरे दोस्त भी है। बाकी भाई जय श्री राम, भगवान मुझसे दिल्ली।